फ्रॉम द गिवन ग्राफ आई और वी का ग्राफ है, वोल्टेज या करंट का ग्राफ है, जो भी बोल लो, आइडेंटिफाई द पोर्शन रेजिस्टेंस इज निगेटिव। हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस कैन बी जीरो, रेजिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव एंड रेजिस्टेंस कैन बी निगेटिव इन सम केसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रेजिस्टेंस निगेटिव किस वाले केस में होगी, कहाँ पर होगी, तो ये वाली चीज़ हमें निकालना है। अब अगर वी आई, अगर वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो अगर आई और आई अपन वी की जो वैल्यू आ जाएगी, आई अपन वी की वैल्यू वो वन अपन आर आ जाएगी, मतलब आई और वी के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए, आई और वी के बीच ग्राफ बनाया जाए, तो ये जो थीटा है टेन थीटा दैट इज आई बाई वी दैट इज वन अपन आर। ठीक है, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगा तो रेजिस्टेंस निगेटिव आएगा, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन से पार्ट में स्लोप, ये दिस इज बेसिकली स्लोप है, टेन थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप देखने आता है सबको, जैसे ये स्लोप है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, थीटा इज लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 स्लोप निगेटिव होता है। स्लोप जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो स्लोप थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो स्लोप जो है टेन थीटा निगेटिव होता है, तो रेजिस्टेंस निगेटिव होगा। ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, स्लोप पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्लोप सबसे देखो, तो सी डी चेक करो, सी डी, सी और डी, सबसे पहले अगर देखोगे सी और डी, तो सी डी का स्लोप ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे ऐसे कट करेगी, ये स्लोप है, तो ऑब्वियसली ये जो स्लोप है थीटा सी डी का ग्रेटर देन 90 है, मतलब टेन थीटा निगेटिव है, तो रेजिस्टेंस पहले ही केस में निगेटिव मिल गया। ठीक है, पहले ही केस में निगेटिव मिल गया, तो बाकी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या सॉल्व कर भी सकते हो। डी, डी कहाँ है तो बोलो, डी, डी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप देखोगे तो एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगल है, और इसका जो स्लोप थीटा देखोगे, ये वाली जो थीटा है दैट इज लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 मतलब टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये मैथमेटिक्स में आपको याद करना पड़ेगा। चलो ए बी देखो, ए बी किधर है, ए बी, ये वाली ए बी, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाओगे ऐसे, ये भी टेन थीटा लेस देन 90 है, तो इसका भी रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ जा रहा है। व्हाट इज बी सी, बी सी किधर है, ये है बी सी, तो बी सी किधर है, बी और सी, बी और सी अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा, इसमें जो थीटा है वो ज़ीरो आ जाएगा, थीटा अगर ज़ीरो है तो टेन थीटा की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी, टेन थीटा अगर यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, क्योंकि आई भी ग्राफ है। ठीक है, चलो तो ये हमें क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको हम देखते हैं।